दिल्ली के जंतर मंतर को पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन का स्थल बनाए बैठे धरना प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर से हटाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जाने का आदेश दिया, तो सभी प्रदर्शनकारियों ने चिंता जताते हुए जंतर मंतर से हटने को इनकार कर दिया। पिछले कई सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाने के आदेश दे दिए हैं। जंतर मंतर पर कोई शराब मुक्त भारत यानी कि शराब को बंद करने के लिए मांग को लेकर के बैठा है, तो कोई अपने जिंदा होने की मांग को लेकर। दिल्ली के जंतर मंतर पर रियल लाइफ के मुसद्दी लाल यानी के संतोष मूरत सिंह, जो पिछले 5 सालों से अपने आप को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहे हैं, मगर सरकारी कागजों ने संतोष को मुर्दा दिखाया हुआ है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे धरना प्रदर्शन के लोगों को कोर्ट ने जंतर मंतर से हटाने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में संतोष का कहना है कि कोर्ट का आदेश तो जिंदा लोगों के लिए है, पर मुझे तो सरकार ने पहले ही मुर्दा करार दिया हुआ है, और इस मुर्दे को जंतर मंतर से क्यों हटाया जा रहा है? जी, 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन पे हम यहाँ धरने पे हैं और बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि मरा नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा। कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे और एक निवेदन ये भी आप लोगों से करेंगे कि कोर्ट का आदेश जो हुआ है वो जिंदा लोगों के लिए पारित हुआ है, न कि मुर्दों के लिए। इसलिए कि जो तर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे शोरगुल होता है, बगल में लोगों को दिक्कत होती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वहाँ पे है, बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट हैं, इससे यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ